हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एरिस्टोटल की ही नेक्स्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। आज की थ्योरी है एरिस्टोटल एंड द थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इससे पहले पहले हम लोग ने कौन कौन इससे पहले भी हम लोग ने बहुत थ्योरी पढ़ ली है, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि एरिस्टोटल कौन था। वो ग्रीक फिलोसोफर है, उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसने दिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो उसमें प्रॉपर्टी पे भी उसने एक अपना कंसेप्ट रखा है। साथ ही साथ आपको मालूम होगा कि मैं बता चुकी हूँ उसने पॉलिटिक्स बुक लिखी थी। आप लोग नाम याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। और उसने 158 द गोल्डन नंबर, इसको इतने कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ के अपने सारी थ्योरीज को दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो एरिस्टोटल के व्यू क्या है प्रॉपर्टी पे, राइट? एरिस्टोटल के क्या व्यू है प्रॉपर्टी पे? तो एरिस्टोटल ने पहले देखते हैं कि कैसे डिफाइन किया है प्रॉपर्टी को। एरिस्टोटल डिफाइन प्रॉपर्टी एज ए नेसेसरी सोशल इंस्टीट्यूशन दैट इनेबल्स इंडिविजुअल टू हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ सफिशियंसी। तो वो बोलता है कि एरिस्टोटल जो बोलता है कि जो ये आपकी प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली ऐसा है कि वो आपके अंदर एक सेंस देती है सिक्योरिटी और सेल्फ सफिशिएंसी का। ठीक है, तो ये एक्चुअली में देखा गया एरिस्टोटल के व्यूज़ जो थे वो बहुत ही डिफरेंट थे इन कंट्रास्ट टू हिज गुरु दैट इज़ प्लेटो। प्लेटो को हम लोग जानते हैं, उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी भी बोलते हैं, राइट? तो उसके जो व्यूज थे प्रॉपर्टी पे, ही वॉज एक्चुअली सेज कि जो आपकी रूलर क्लास है, जो आपका होगा, आपका जो फिलोसोफर किंग है, उसको कम्युनिज्म फॉलो करना चाहिए, राइट? इफ यू रिमेंबर, तो वो एरिस्टोटल इसका बहुत ही क्रिटिक था, राइट? तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली प्लेटो की ये कम्युनिज्म की थ्योरी क्या है, स्पेशली फॉर फिलोसोफर किंग। ओके, तो वो बोलता है कि प्लेटो बोलता है कि किसी भी टाइप की प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दीजिए। ठीक है, इसकी जगह आप एक कम्युनिज्म लाइए। ठीक है, कि आपकी कम्युनिटी का जो है ओनरशिप होना चाहिए, क्योंकि वो बोलता है कि अगर ये होता है तो कोई भी करप्शन नहीं करेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑलरेडी जो फिलोसोफर किंग के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, उनके पास अगर बहुत प्रॉपर्टी हो गई तो वो लोग बहुत करप्शन कर पाएंगे। तो इसी के लिए वो बोलता है कि एक कम्युनिटी ओनरशिप होनी चाहिए, कम्युनिज्म आनी चाहिए, राइट? बट ये यहाँ पे इस बात को आर्ग्यू करके बोलता है कि नहीं, ये बात गलत है। एक्चुअली अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो ये इनएफिशिएंसी और लैक ऑफ मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, कि और ये भी बोलता है कि साथ ही साथ जो लोग प्राइवेट जिनके पास प्रॉपर्टी होती है वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि स्टेट में आपके स्टेबल रहे और साथ ही साथ वहाँ पे एक ऑर्डर फॉलो हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि वो लोग अगर यहाँ पे आपका एक फॉलो नहीं होगा, ऑर्डर एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो आपकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। आपने देखा होगा कैसे हम लोग यहाँ जब दंगे होते हैं तो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उसको कैसे नष्ट कर देते हैं। ठीक है, कैसे सड़कें और बसेस को फूंक दिया जाता है, राइट? उसमें आग लगा दी जाती है, या सड़कों को भी कितना गंदा रखा जाता है, लोग अपना कचरा सड़क पर ही फेंक देते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं है। बट प्लेटो इसीलिए बोलता है कि वहाँ पर भी आपकी जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल बनाता है और साथ ही साथ स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर भी लाता है। ठीक है, और एरिस्टोटल बोलता है कि प्रैक्टिकलिटी और रियलिज्म भी वैल्यू आपके डेवलप होते हैं जब आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, राइट? क्योंकि और ये एक्चुअली सोसाइटी की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ें हों। तो हम लोग ने ये देख लिया कि कैसे एरिस्टोटल जो है अपने गुरु प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म का विरोध करते हुए अपनी थ्योरी देता है प्रॉपर्टी की, राइट? यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर होगा। तो इसके बाद हम लोग पीछे बढ़ जाते हुए देखते हैं, जब मैंने बताया था कि वो कैसे डिफाइन करता है प्रॉपर्टी को, राइट? तो उसने बोल
बोला था कि इससे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एक सेल्फ सफिशिएंसी आती है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी ऑनरशिप जो होती है उससे सर्वाइवल की नीड भी कंप्लीट होती है और डेवलपमेंट होता है वर्च्यूज़ का, सोशल हार्मनी आती है। इसीलिए वो बोलता है कि फेयर एंड जो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो ये बात तो यहाँ तक ठीक है, तो ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं, ये तो सिंपल चीज़ें थी। अब यहाँ से मेन चीज़ें शुरू होती हैं एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी का, ओके। तो वो बोलता है कि कितने टाइप के सिस्टम हो सकते हैं प्रॉपर्टी में, तीन टाइप के उसने डिफाइन किए। एक कॉमन ओनरशिप कॉमन यूज़, जो कि यूज बोला गया था प्लेटो के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग ने बोल देख ही लिया था कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एक इससे कन्फ्लिक्ट आती है, एक इनसफिशेंसी होती है, राइट, क्योंकि आपको मालूम है कैसे लोग रोड जो होते हैं वो इनको इनएफिशिएंटली यूज़ करते हैं, राइट, कुछ भी कूड़ा फेंक दिया, लोगों झगड़ा होता है रोड में, ठीक है। और इससे कोई मोटिवेशन नहीं होता कि हम हार्डवर्क करें जिससे हमारे पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, क्योंकि लोगों को लगता है ये तो कॉमन है, हम कितना भी हार्डवर्क कर लें कुछ तो हमारा होना नहीं है, ठीक है। और ये ना तो प्रॉपर्टी के लिए ही सही है और ना ही सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी में भी इसमें कोई भी ऐसी भावना, कोई भी ऐसा वर्च्यू नहीं जगता है जिससे उन्हें लगे कि हमको देश के लिए काम करना चाहिए और साथ साथ इससे देश का और हमारा भी खुद का भला होगा। अब दूसरा होता है कॉमन ओनरशिप और इंडिविजुअल यूज़, ये तो बहुत ही गलत है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ये इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इससे एक तो नेग्लेक्टेड एंड मिसमैनेजमेंट बढ़ेगा, दूसरी बात ये ना लॉजिकल है ना प्रैक्टिकेबल है, तीसरा ये जो है वो एक्सप्लॉयटेटिव भी बहुत है, राइट। तो इसके कारण ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाए तो आप इसका भी मेंशन करिएगा और उसके साथ इसके डीमेरिट्स बताइएगा, ठीक है। तो अब वो क्या एडवोकेट करता है, वो बोलता है कि इंडिविजुअल ओनरशिप हो और कॉमन यूज़ हो, राइट। इससे क्या होगा, इससे दो चीज़ें होंगी, देखिए इंडिविजुअल ओनरशिप और कॉमन यूज़ से, एक आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉमन प्रॉपर्टी नो वन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और साथ ही साथ चूँकि इसका यूज़ जो है वो कॉमन है तो इससे सोसाइटी में भी वेलबींग बढ़ेगा, साथ ही साथ ये एक मोटिवेशन और अचीवमेंट का भी काम करता है। ऑब्वियसली आपको लगेगा कि आपके पास खुद प्रॉपर्टी है तो हम और हार्ड वर्क करें और जाएं और मेहनत करें जिससे हम लोग और भी प्रॉपर्टी कमा पाएँ, ठीक है। और इसको हम लोग अगर कॉमन यूज़ में रहते हैं तो ज़्यादा लोगों की भलाई होती है। आपने देखा ही होगा कि कैसे ही लोग जो होते हैं वो आपके जितने भी, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल खुलवाते हैं या फिर कोई भी ऐसे ट्रस्ट होते हैं जो एनजीओज जो लोगों के भले में के लिए काम करते हैं, तो उसमें भी देखा होगा या फिर कि वो लोग क्या होते हैं, कॉमन यूज़ हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही उस पर्टिकुलर फाउंडेशन को है डोनेशन दे रहा है, तो वो एक तरह से इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है बट यूज़ जो है वो कॉमन है। अगला मैन ऑफ रीज़न, जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी होती है वो कभी भी ऐसी नहीं कोशिश करेंगे कि एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो, क्यों, क्योंकि एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होगी तो उनकी खुद की प्रॉपर्टी को भी और जान माल का खतरा रहेगा क्योंकि खुद की प्रॉपर्टी सेफ नहीं रहेगी। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसके आप लोग रेलेवेंस में याद रखिएगा और इसको आप लोग ज़रूर ही मेंशन करिएगा एग्ज़ाम में, दैट इट इज़ नियर टू द गांधीयंस आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप। इसको याद रखिएगा कि जो गांधी जी ने एक ट्रस्टीशिप दिया था उसमें वो लोग क्या बोलते हैं, उसमें भी वो यही बोलते हैं कि आपको ऐसी प्रॉपर्टी बनानी चाहिए जिसमें हो सकता है कि वो इंडिविजुअल के लिए हो लेकिन ठीक है आपकी खुद की हो, तो जब आपके पास एक्सेस हो जाती है प्रॉपर्टी तो उसको आप लोग कॉमन यूज़ के लिए भी दे सकते हैं। तो ये उस आइडिया के, गांधीयन आइडिया के बहुत करीब आता है, राइट। गांधी जी भी इस बारे में, उनके भी सिमिलर विचार थे। अब वो बोलता है कि ठीक है हमने बता दिया कि थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी कैसे, अब प्रॉपर्टी को कैसे अचीव करनी चाहिए ताकि उसे सही माना जाए। तो आप दो टाइप से प्रॉपर्टी अचीव कर सकते हैं, एक पहला आपकी जस्ट ओनरशिप हो सकती है जो कि ये मेंशन्ड है, राइट, और दूसरा आपकी अनजस्ट ओनरशिप हो सकती है, राइट। तो जस्ट ओनरशिप में क्या होता है, एरिस्टोटल बोलता है कि ओनरशिप कब जस्ट होगी, जब वो कॉमन गुड को बढ़ावा देती हो या वो कहती हो कि आपको मॉडरेशन रखना है और एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं करना चाहिए। क्यों
एक्सेसिव एक्यूमुलेशन क्या होता है, उससे ग्रीड बढ़ता है, उससे हमको लगता है कि हम दूसरे का नुकसान करके भी अपने पास रख चीज़ें एक्यूपाई करें, अपना अपना ही भला देखें, दूसरों का भला देखें, तो मतलब कॉमन गुड का जो वो है उनका विचार उसको वो कंट्रास्ट करता है, इसलिए वो बोलता है कि बहुत एक्सेस में नहीं कमाना चाहिए। अब अनजस्ट ओनरशिप में वो बोलता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो ग्रीड से ली गई हो, राइट, मान लीजिए आप कोई इंसान है, ठीक है, वो यूजर या सूदखोर है, ठीक है, वो लोगों को देता है पैसे उधार पे, और किसी बेचारे गरीब को लिया और उसमें बहुत ही हाई इंटरेस्ट लगा लगा के वो ऐसे पैसे जमा कर रहे हैं, तो उसका ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या है कि आपने तो उस गरीब को बेचारे को निचोड़ लिया, लेकिन आपने ऐसी प्रॉपर्टी बनाई तो उसमें उस गरीब व्यक्ति की हाय आपको लगेगी, तो ऐसी वो प्रॉपर्टी या ऐसा धन या ऐसी संपत्ति का वो बिल्कुल विरोध करता है, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे इनइक्वालिटी हो और कन्फ्लिक्ट बढ़े अमंग इंडिविजुअल्स में, तो उन सब चीज़ों को वो भी अनजस्ट प्रॉपर्टी की तरह देखता है, और ना कि कन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल्स में बल्कि सोसाइटी एज अ होल, आपकी एज अ सोसाइटी में कुछ ऐसी आप ऐसे प्रॉपर्टी कर रहे हो जिससे लोग बहुत असंतुष्ट हैं और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, तो उसको भी वो सही नहीं मानता है, ठीक है। तो ये सब ये था। अब हम लोग इसकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस देखेंगे एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो पहला तो देखिए अभी कौन सा टाइम है, अभी है आपका डिजिटल एज, राइट। तो डिजिटल एज में भी आपको मालूम है कि प्रॉपर्टी ओनरशिप है, राइट। डिजिटल वे भी आप लोग को आपको पता ही होगा, अभी आजकल डिजिटल करेंसी चल गई है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो वो बोलता है कि कैसे डिजिटल एज में एरिस्टोटल के प्रिंसिपल जो हैं, खासकर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, वो देख सकते हैं कि हमको नई डिजिटल प्रॉपर्टी जो भी लेनी होगी, आपको मालूम होगा हम लोग आई कांट रिकॉल दैट नेम, बट उस जो टोकन्स होते हैं या जो फिर जो भी है उसको आप लोग कैसे उसकी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी यूज़ करके और कैसे आप एथिकली तरीके से डिजिटल वे में भी कमा सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो जब जस्ट एक्विजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है तो वो इससे दो चीज़ें भी होंगी, आपको मालूम है कि जब कॉमन यूज़ होगा तो इन्वायरमेंटल जो है उससे आपकी कंजर्वेशन होगा, और जब इन्वायरमेंट कंजर्व होता है तो उसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम होगा कि इंडियन रेलवे, राइट, इंडियन रेलवे जो है कॉमन गुड के लिए, उसमें बहुत सारे लोग एक साथ करते हैं सफ़र, तो उसको सबसे ज़्यादा ही हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मानते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पास मानते हैं। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि दो वो गवर्नमेंट का है लेकिन इंडिविजुअल, लेकिन उसको कॉमन यूज़ को है, राइट। तो ये भी आपकी एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को वैलिडेट करता है, राइट। अब इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, क्यों, इससे क्या होगा कि कैसे हम लोग इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि गरीब गरीब हो रहा है जैसा आजकल हम लोग समाज में देख रहे हैं और जो अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है, तो इंक्लूसिविटी तो कहीं है ही नहीं। बट अगर हम लोग ने एरिस्टोटल की थ्योरी की तरह जस्ट प्रॉपर्टी को अचीव किया है तो इससे इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जिससे कि जो कि फेयर एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी करेगा और जितनी भी सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है उसको भी रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आई थिंक आपको रेलेवेंस ऑफ प्रॉपर्टी बहुत समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग एक बार इसको फिर से रिकैप करके देख लेते हैं कि हम लोग ने आज के में क्या क्या पढ़ा। तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में कि प्रॉपर्टी कैसे वो डिफाइन करता है, राइट। उसमें हमें मैंने सबसे बोला था कि वो सबसे पहले तो प्लेटो उसका जो गुरु है उसकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म का के अगेंस्ट है, राइट। फिर उसको बताता है कि उसके कैसे वो ठीक नहीं है, कैसे वो ठीक उसको अगेंस्ट है, और इसके बाद वो बोलता है कि उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकते हैं। तीन सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी बोलता है, कॉमन ओनरशिप एंड कॉमन यूज़, राइट, और कॉमन ओनरशिप कॉमन यूज़, कॉमन ओनरशिप इंडिविजुअल यूज़ और इंडिविजुअल ओनरशिप कॉमन यूज़। तो पहला वाला जो था वो प्लेटो की तरह बताया गया था, और दूसरा वाला था वो खुद है प्रोपोगेट करता है और बोलता है कि क्यों वो अच्छा है, क्योंकि वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन और अचीवमेंट लाता है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉमन वेलबींग के बीच में भी एक बैलेंस लाता है, और इस ये मैन ऑफ रीज़न होगा, जो आदमी अपनी प्रॉपर्टी कमाता है तो वो एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं करेगा। साथ ही साथ मैंने आपको बहुत एम्फेसिस देके बताया था कि ये गांधीयन आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप के भी बहुत करीब है, इस पॉइंट को आप ज़रूर मेंशन करिएगा जब आपके एग्जाम में आए। फिर मैंने आपको बोला कि कैसे एक इंसान प्रॉपर्टी एरिस्टोटल के तौर पर उसे कमानी चाहिए, जस्ट और अनजस्ट, जस्ट में उसको कॉमन गुड देखना चाहिए, वो ग्रीड की अनजस्ट में ग्रीड के थ्रू नहीं कमानी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं लानी चाहिए, और सोसाइटी और उस सोशल इंडिविजुअल के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए,
और साथ ही वो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को भी मना करता है। फिर हम लोग ने कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस देखा था कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और कैसे ये डिजिटल एज में भी बहुत कारगर है उसकी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।